गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो बेटा? आशा है बेटा आप सब ठीक होगे। बेटा आज का मेरा टॉपिक है इवैल्यूएशन ऑफ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। बेटा पिछले वाले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने कंपनी का मीनिंग और कंपनी की फीचर्स बताई थी। आज बेटा हम कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का इवैल्यूएशन करेंगे। इवैल्यूएशन का मतलब है बेटा इसका मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन में बेटा इसके मेरिट्स के बारे में भी बात करेंगे और इसके डीमेरिट्स के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बेटा इवैल्यूएशन में मेरिट्स की बात करेंगे और मेरिट्स में पहला पॉइंट है इसका लिमिटेड लायबिलिटी। द लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स इज लिमिटेड एंड दे ऑलरेडी नो इट। बेटा कंपनी के फॉर्म में जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं बेटा उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है और वो लिमिटेड भी उनके शेयर के अकॉर्डिंग होती है। ये सब कुछ उन्हें पहले से पता होता है। जबकि बेटा आपने जो सोल ट्रेड फॉर्म किया है या पार्टनरशिप फॉर्म किया है उसमें बेटा मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती थी। अनलिमिटेड का मतलब था बेटा लॉस की रिकवरी उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी में से की जाती थी जब एसेट्स कम होती थी और लायबिलिटी ज़्यादा होती है। लेकिन बेटा कंपनी वाली फॉर्म में जितने भी शेयर होल्डर्स हैं या मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी हमेशा लिमिटेड होती है। लिमिटेड का मतलब है कि लॉस की रिकवरी उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी में से नहीं होगी। तो ये मेरिट का पॉइंट है कंपनी फॉर्म का। दूसरा, शेयर ट्रांसफ़र फैसिलिटी। एनी शेयर होल्डर ऑफ अ पब्लिक कंपनी कैन ट्रांसफ़र हिज शेयर्स फ्रीली विदाउट द अप्रूवल ऑफ अदर मेंबर्स। बेटा शेयर को ट्रांसफ़र भी पब्लिक कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं वो इजीली अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं बिना किसी दूसरे मेंबर की परमिशन लिए। इसका मतलब पब्लिक कंपनी के शेयर्स को आम लोगों को इजीली ट्रांसफ़र किया जा सकता है बिना किसी की परमिशन के, जबकि प्राइवेट कंपनी को अपने शेयर को ट्रांसफ़र नहीं करना होता और पब्लिक कंपनी को ये छूट मिली हुई होती है कि वो जब चाहे अपने शेयर्स को फ्रीली लेवल पे ट्रांसफ़र कर सकती है। तो ये बेनिफिट भी बेटा शेयर ट्रांसफ़र फैसिलिटी का कंपनी को मिला हुआ है और कंपनी में भी ये पब्लिक कंपनी को मिला हुआ है। उसके बाद है बेटा इसका मेरिट का पॉइंट कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी का मतलब है इसका बिजनेस लगातार चलता रहेगा। लगातार का क्या मतलब? हमेशा कॉन्टिन्यूस लेवल पे। द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी इज कॉन्टिन्यूस और परमानेंट। कंपनी का बिजनेस जो है कॉन्टिन्यूस लेवल पे परमानेंट लेवल पे चलता रहता है। कैसे बेटा? देयर इज नो इफेक्ट इट्स लाइफ इन द केस ऑफ डेथ ऑफ द शेयर होल्डर्स, देयर बैंकरप्सी और देयर मैडनेस। बेटा कंपनी में कोई भी मेंबर जो है उसकी डेथ क्यों ना हो जाए, कोई भी मेंबर दिवालिया क्यों ना हो जाए, कोई भी मेंबर पागल क्यों ना हो जाए, कंपनी एज इट इज़ चलती रहती है। किसी के मरने का, किसी के दिवालिया होने का या किसी के पागल होने का कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आता। कंपनी कॉन्टिन्यूस लेवल पे चलती रहती है और जब कॉन्टिन्यूस लेवल पे चलती है तो इसका एग्जिस्टेंस कॉन्टिन्यू होता है, परमानेंट होता है। उसके बाद है स्कोप फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। कंपनी को बेटा ग्रोथ के और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के बहुत से चांसेस मिलते हैं। देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन बिकॉज ऑफ सफिशियंट कैपिटल, सफिशियंट मैनेजमेंट कैपेबिलिटी एंड लिमिटेड लायबिलिटी। बेटा तीन कारण हैं जिन तीन कारणों से कंपनी को अपने बिजनेस को बढ़ाने का मौका मिलता है
और ग्रोथ के चांसेस मिलते हैं वो किस किस कारण से मिलेंगे? एक तो पैसा इनके पास सफिशिएंट लेवल का होता है, दूसरा बेटा मैनेजेरियल स्टाफ भी प्रॉपर हमारे पास सफिशिएंट लेवल का अवेलेबल होता है, मैनेजर भी अपनी फील्ड के कैपेबल होते हैं, और बेटा लोगों की लायबिलिटी भी लिमिटेड होती है। ये तीन कारण हैं जिनसे कंपनी का ग्रोथ और एक्सपेंशन बहुत बढ़िया तरीके से होना शुरू हो जाता है। उसके बाद है बेटा एफिशिएंट मैनेजमेंट, एफिशिएंट एंड एक्सपीरियंस मैनेजर कैन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेकिंग द बिजनेस सक्सेस बाय मेकिंग यूज़ ऑफ मॉडर्न मैनेजेरियल टेक्नोलॉजी। बेटा कंपनी में काम करने वाले जो भी लोग हैं, मैनेजर हैं, वो अपनी फील्ड के एफिशिएंट और एक्सपीरियंस लेवल के मैनेजर हैं, और जब बेटा काम करने वाले मैनेजर एफिशिएंट होंगे, एक्सपीरियंस्ड होंगे, तो बेटा वो कंपनी में जो उनका बिजनेस चल रहा होगा उस बिजनेस में वो अपनी एफिशिएंसी का, अपनी मैनेजेरियल लेवल की टेक्निक का या नए नए जो उनके तरीके हैं उनका यूज़ करेंगे और कंपनी को उसका बेनिफिट प्रॉपर तरीके से दिलवाएंगे। तो कंपनी के मेरिट्स में इसका जो एफिशिएंट लेवल की मैनेजमेंट है ये भी प्रॉपर तरीके से रोल प्ले करती है। तो मेरिट्स के पॉइंट कौन कौन से थे? लिमिटेड लेवल की लायबिलिटी था, शेयर ट्रांसफ़र फैसिलिटी था, कॉन्टिन्यूटी था, स्कोप फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन था, और लास्ट पॉइंट था एफिशिएंट मैनेजमेंट। अब बेटा इसके डीमेरिट्स के पॉइंट क्या क्या हैं, कि इसके ड्रॉबैक क्या हैं, इसके लिमिटेशन क्या हैं? पहला लिमिटेशन का पॉइंट है डिफ़िकल्टी इन फॉर्मेशन। द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी इज़ इन इट्सेल्फ अ वेरी डिफ़िकल्ट एंड एक्सपेंसिव एक्टिविटी। बेटा कंपनी को बनाना अपने आप में कोई आसान काम नहीं है, कंपनी को बनाने का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस काफ़ी डिफ़िकल्ट लेवल का है, और इस प्रोसेस को अप्लाई करने में खर्चे भी हमारे काफ़ी ज़्यादा आते हैं। कैसे डिफ़िकल्ट प्रोसेस है बेटा? बहुत सी लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना पड़ता है, बहुत से डॉक्यूमेंट बनाने पड़ते हैं। जैसे कुछ डॉक्यूमेंट मैं आपको बताऊं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, प्रोस्पेक्टस है, ये बहुत सी फॉर्मेलिटीज़ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड करनी पड़ती हैं। तो इन फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना एक आसान काम नहीं है, एक डिफ़िकल्ट लेवल का प्रोसीजर है, और इन कामों को करने के खर्चे भी ज़्यादा आते हैं। तो इसकी फॉर्मेशन का प्रोसेस डिफ़िकल्ट है, ये इसके डीमेरिट में रोल प्ले करता है। उसके बाद है लैक ऑफ सीक्रेसी। अ पब्लिक कंपनी हैज़ गोट टू पब्लिश इट्स अकाउंट्स एंड डिपॉजिट मैनी डॉक्यूमेंट्स इन द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार, एनीबडी कैन सी दीज डॉक्यूमेंट्स। बेटा एक पब्लिक कंपनी के अकाउंट्स हैं, पब्लिक कंपनी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये बेटा हमें रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर सबमिट करवाने पड़ते हैं, और बेटा जिन डॉक्यूमेंट्स को हम रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर जमा करवाएंगे, कोई भी व्यक्ति जो है एक नॉर्मल सी फीस को देकर इन डॉक्यूमेंट्स को देख सकता है। इसका मतलब यहाँ किसी भी चीज़ की कोई भी सीक्रेसी नहीं है, सीक्रेट कुछ भी नहीं है, हर चीज़ आम लोगों को पता चल जाती है। क्यों? क्योंकि पब्लिक कंपनी के सारे अकाउंट्स, सारी फॉर्मेलिटीज़, सारे डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार के ऑफिस में जमा कराने पड़ते हैं, तो सीक्रेसी की यहाँ पर कमी पाई जाती है, और वो भी कौन सी कंपनी की? पब्लिक लेवल की, जो हमारी कंपनी है, क्योंकि हर चीज़ पब्लिश करनी पड़ती है। उसके बाद है बेटा लैक ऑफ मोटिवेशन। बेटा यहाँ पर मोटिवेशन की भी कमी होती है। मोटिवेशन की कमी कैसे होती है बेटा? काम करने वाले एम्प्लॉई को तो बेटा केवल सैलरी ही दी जाती है,
और जो एम्प्लॉई जितना ज़्यादा बढ़िया काम करते हैं, यूनिट को प्रॉफिट यदि होगा तो सारा का सारा प्रॉफिट तो बेटा मालिकों के घर में चला जाता है, एम्प्लॉई बेचारों को केवल सैलरी मिलती है। यदि एम्प्लॉई को सैलरी के अलावा कुछ और फालतू दिया जाता, बोनस वगैरह दिया जाता या प्रॉफिट में से कोई शेयर दिया जाता तो एम्प्लॉई बेटा ज़्यादा मोटिवेशन से काम करते, लेकिन यहाँ एम्प्लॉई बेचारों को तो सैलरी के अलावा कुछ भी नहीं दिया जाता, सारा का सारा शेयर का जो प्रॉफिट है वो शेयर होल्डर्स के घर में चला जाता है, तो मोटिवेशन की यहाँ पर एम्प्लॉई में कमी पाई जाती है। और ये कमी कैसे पाई जाती है बेटा मोटिवेशन की, इन द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट आर सेपरेट, क्योंकि मालिक अलग हैं और जो काम करने वाले एम्प्लॉई हैं वो अलग हैं। जो ओनर हैं बेटा उन्हें हम शेयर होल्डर कहते हैं, और जो मैनेजेरियल एक्टिविटी हैंडल करते हैं उन्हें हम एम्प्लॉई कहते हैं। एम्प्लॉई बेचारों को सैलरी मिलती है, शेयर होल्डर प्रॉफिट का सारा हिस्सा ले जाते हैं। और बेटा हमारे जितने भी एम्प्लॉई हैं उन्हें पता है, दे नो दैट इफ़ दे वर्क विद मोर एफिशिएंसी द रिवार्ड विल गो ओनली टू द ओनर्स, क्योंकि एम्प्लॉई को पता है कि यदि हम बहुत बढ़िया काम करेंगे तो हमें तो सैलरी मिलेगी, सारा का सारा रिवार्ड मालिक ले जाएंगे। दिस चेक देम टू वर्क एंड विद ग्रेटर एफिशिएंसी, इस तरीके से वो एम्प्लॉई बेचारे अपनी ज़्यादा एफिशिएंसी से काम नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें तो सैलरी ही मिलेगी। तो मोटिवेशन की एम्प्लॉई में कंपनी वाली ऑर्गेनाइजेशन में कमी पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट लिमिटेशन का पॉइंट है एग्जेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। बेटा कंपनी फॉर्म में ज़्यादातर जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ हैं उनमें बेटा गवर्नमेंट का हद से ज़्यादा कंट्रोल होता है। एग्जेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल इज़ अनदर ड्रॉबैक ऑफ द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, ये कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के एक ड्रॉबैक में आता है। कैसे आता है, वेरियस गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस आर इम्पोज इन द परफॉर्मेंस ऑफ डे टू डे एक्टिविटीज़ विच इंक्लूड द ऑब्जर्वेंस ऑफ मैनी लीगल रूल्स सेंडिंग वेरियस टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, हैविंग कंपल्सरी ऑडिट, पब्लिशिंग एनुअल अकाउंट्स। बेटा कौन कौन से रिस्ट्रिक्शंस आती हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो बहुत से रूल्स और रेगुलेशन इन पे अप्लाई करते हैं, अकाउंट्स को टाइमली पब्लिश करने के लिए कहते हैं, या बहुत सी रूल्स रेगुलेशन की फॉर्मेलिटी को फॉलो करने के लिए कहते हैं, या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेटर आकर इनके ऑडिट की फॉर्मेलिटीज़ को टाइमली चेक करते हैं। तो चेक करेंगे या देखने आएंगे तो गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस हद से ज़्यादा होगी। इट इज़ अ डिफ़िकल्ट जॉब टू चेंज द ऑब्जेक्टिव एंड अथोराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी, इस तरीके से कंपनी की अथोराइज्ड कैपिटल को चेंज करना भी मुश्किल है, और सरकार जब बार बार हस्तक्षेप करती है तो ये हस्तक्षेप करने का काम भी एक आसान काम नहीं है, एक मुश्किल काम है। कंपनी को इस मुसीबत को भी सहना पड़ता है कि गवर्नमेंट का हद से ज़्यादा जो कंट्रोल है वो गवर्नमेंट का हद से ज़्यादा कंट्रोल है वो कंपनी फॉर्म को सहना पड़ता है। उसके बाद है बेटा डिले इन डिसीज़न। बेटा सोल ट्रेडर वाली जो फॉर्म थी उसमें अकेले व्यक्ति को डिसीज़न लेने थे, और जो कंपनी वाली फॉर्म में है बेटा बहुत से मेंबर्स ने मिलकर डिसीज़न लेने हैं, और बेटा जब मिलकर डिसीज़न लेने हैं तो डिसीज़न लेने में बेटा देरी हो जाती है। कैसे देरी होती है बेटा, क्विक डिसीज़न कैन बी टेकन इन केस ऑफ द सोल ट्रेड एंड पार्टनरशिप, इट्स टेक मोर टाइम टू टेक डिसीज़न इन अ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। बेटा सोल ट्रेडर में भी डिसीज़न लेना आसान है, पार्टनरशिप में भी आसान है, लेकिन कंपनी वाली फॉर्म में आसान नहीं है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ वेरियस लेवल ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि बेटा कंपनी में हर लेवल की मैनेजमेंट होती है और वो हर लेवल की मैनेजमेंट अपने अपने लेवल पर डिसीज़न लेती है, एंड द कॉलिंग ऑफ मीटिंग
टू गेट अ रेजोल्यूशन पास्ट फॉर टेकिंग अ डिसीज़न। और बेटा डिसीज़न लेने के लिए मीटिंग्स भी बुलाई जाती हैं, एक टाइमली एक रेजोल्यूशन भी पास किया जाता है कि जब तक सबकी सहमति नहीं होगी तब तक डिसीज़न नहीं लिया जाएगा। इन दिस वे इट इज़ इम्पॉसिबल टू टेक क्विक डिसीज़न इन द कंपनी। बेटा जब कंपनी में इतने लोगों से पूछ पूछ के डिसीज़न लेने हैं तो डिसीज़न देरी से लिए जाते हैं। उसके बाद है बेटा अगला जो लिमिटेशन का पॉइंट है वो है बेटा ओलिगार्किक मैनेजमेंट। बेटा कहने को डेमोक्रेटिक सिस्टम चलता है लेकिन डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं चलता, ये केवल आँखों का धोखा ही होता है। क्या अ कंपनी इज एन इंस्टीट्यूशन बेस्ड ऑन ओलिगार्किक मैनेजमेंट। कहा जाता है कि प्रजातांत्रिक सिस्टम है लेकिन प्रजातांत्रिक नहीं है, यहाँ पर जो है अपनी मर्जी वाला राज चलता है। फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक, केवल लॉ के अकॉर्डिंग कहा गया है कि कंपनी काम प्रजातांत्रिक तरीके से करती है, बट इट इज़ ओनली एन आई वॉश, ये एक आँखों का धोखा मात्र ही है, यहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम के अकॉर्डिंग काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि कंपनी इज एन इंस्टीट्यूशन बेस्ड ऑन ओलिगार्किक मैनेजमेंट। ऑर्डिनरी इट इज सेड दैट शेयर होल्डर्स कोलेक्टिवली इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव, बट इन रियलिटी मोस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स डू नॉट नो वेयर द हेड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड। बेटा कई बार तो शेयर होल्डर्स को ये भी नहीं पता होता कि कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ है, कंपनी किस तरीके से काम कर रही है, किस चीज़ का बिजनेस कर रही है। मोस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स डू नॉट नो वेयर द हेड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड एंड वट द कंपनी डज और डज नॉट सो, कंपनी ने क्या करना है और क्या नहीं करना ये शेयर होल्डर्स को कई बार पता ही नहीं होता। देयरफॉर देयर आर ओनली अ फ्यू पीपल हु मैटर, द अदर शेयर होल्डर्स आर जस्ट पपेट। बेटा कुछ शेयर होल्डर ही यहाँ पर रोल प्ले करते हैं, बाकी जो शेयर होल्डर हैं वो उनके हाथ में एक पपेट के रूप में, एक कठपुतली के रूप में काम करते हैं। तो मैनेजमेंट डेमोक्रेटिक सिस्टम से नहीं चलती है, मैनेजमेंट ओलिगार्किक वे में चलती है। वन मेंबर वन वोट वाला सिस्टम यहाँ अप्लाई नहीं होता, ये केवल एक आँखों का धोखा मात्र है। उसके बाद है कन्फ्लिक्ट अमंग इन्वेस्टर। इन कंपनी फॉर्म देयर इज़ अ रेगुलर सिचुएशन कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज ऑफ द क्लैशिंग इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर। बेटा यहाँ पर बहुत से इन्वेस्टर रोल प्ले करते हैं, थोड़े लोग हों तो बेटा विवाद नहीं होता, लेकिन बेटा इतने ज़्यादा लोग जब काम करेंगे तो उनके हितों में टकराव होगा और वहाँ उनके डिस्प्यूट बढ़ने शुरू हो जाते हैं और लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है। तो बेटा कंपनी वाली फॉर्म में इन्वेस्टर के बीच में लड़ाई झगड़ा भी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो कंक्लूज़न में बेटा हमने क्या बताना है, बेटा कंपनी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अचीव मोर पॉपुलरली इन स्पाइट ऑफ मैनी लिमिटेशन, इम्पोर्टेंस इज इंक्रीजिंग पार्टिकुलरली फॉर लार्ज साइज बिजनेस वेयर मोर कैपिटल एंड एफिशिएंट मैनेजेरियल स्टाफ आर रिक्वायर्ड। बेटा कंपनी फॉर्म हमें तभी फ़ायदा देगी जब कंपनी में काम करने वाले स्टाफ मेंबर्स एफिशिएंट होंगे और इन्वेस्टर और शेयर होल्डर जो हैं प्रॉपर तरीके से रोल प्ले करेंगे और उनमें लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, तो कंपनी फॉर्म हमें फ़ायदा देगी, नहीं तो फ़ायदे के बजाय नुकसान देगी।